हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आज से हम एक प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम तीनों पोर्शंस जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो जो सारे 2015 से लेकर 20 तक के पेपर में या टिल डेट के पेपर में आएंगे, हम वो इस पैटर्न में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये जो वीडियो नंबर वन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर विद अस इज, व्हेन द वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो हाउ डज इट्स वॉल्यूम चेंज? तो उसकी वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इट शेल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इट विल इंक्रीज। पहले डिक्रीज होगी एंड फिर इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एलिमेंट विच इज जनरली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद जेड एन विच इज जिंक एंड कॉजेज ऑर्चर्ड डिसीज इन ह्यूमन बींग्स इज क्या होता है? वो होता है कैडमियम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वॉट इज मेंट बाय द टर्म ऑयल जैपर दैट वी फ्रीक्वेंटली हेयर इन न्यूज? इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमिडिएशन फॉर ऑयली स्लज एंड स्पिल्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएफएल एंड एन एलईडी लैम्प? वॉट इज द डिफरेंस? To produce light, a CFL uses mercury vapor or phosphorus, while an LED lamp uses semiconductor material. क्या कह रहे हैं? वो जो CFL होता है वो mercury vapor को use करता है also with phosphor, and यहाँ पे जो अगला LED lamp है वो semiconductor material होता है। तो ये हमारा जो option number वन है, हमें इसको कैसे mark करना है? यहाँ पे एक answer भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। तो first तो हमारा true है, तो हमें आगे भी दो देखने पड़ेंगे। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन सी एफ एल इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ एन एल ई डी लैम्प। दिस वन इज नॉट ट्रू, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर थ्री इज, अ सी एफ एल इज लेस एनर्जी एफिशियंट एज कम्पेयर टू एन एल ई डी, विच इज ट्रू अगेन। सो ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री इज इन ऑप्शन नंबर सी, दे बोथ फॉलो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। IUCN considers a species to be critically endangered if the special measure extent of occurrence is estimated to be less than 100 किलोमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चंस दो से तीन बार रिपीट हुआ हुआ है पेपर में, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कंपाउंड्स ऑफ डैश कॉज मिनामाता डिसीज, कंपाउंड्स ऑफ व्हाट? कंपाउंड्स ऑफ मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए। Consider the following statements in the context of the Clean Energy Ministerial (CEM). तो इसके अंदर अब क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए क्या है? It is a global forum to promote policies and programs that advance clean energy technology and to encourage the transition to a global clean energy economy. This one is true. Next वाला अब हम पढ़ेंगे। Next वाले में क्या है? India is a participating nation in the Clean Energy Ministerial. This one again is true. India has denied to participate in the program of 21st century power under clean. No, this one is not true. So option number one and two follow. अब हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर अगला जो हमारा क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज। इट वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ये चीज गिवन है हमें। दूसरा है, एज पर द लॉ ओनली अ पार्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल इज कंसिडर्ड एज वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रही है, ना दिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीदर वन और टू। अगला है, कंजली वेटलैंड जो है, येवली वेटलैंड गिवन है, कंजली वेटलैंड ये कहाँ के डिस्ट्रिक्ट में है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? किसकी? पंजाब की है। द आंसर इज कपूरथला। हु सेड इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर? इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है दैट इज मार्टिन लूथर किंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, तो इसमें पहला क्वेश्चन गिवन टू अस इज द एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स इज गिवन टू अस एज 46.5
5 kgs। उसके बाद वो कह रहे हैं जब टीचर का वेट इंक्लूड किया तो एवरेज वेट इंक्रीज हो गया 500 ग्राम से। टीचर का वेट जब इंक्लूड करेंगे तो 34 से 35 हो जाएगा, और जब इसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे 500 ग्राम्स का, तो ये 47 बन जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, सम यहाँ पे आ जाएगा ऑफ 34 एंड यहाँ पे सम आ जाएगा ऑफ 35। 35 में एक टीचर इंक्लूडेड है। बेसिकली एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम अपॉन नंबर। जितनी नंबर है चीजों की, जैसे 10 है या यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें 35 गिवन है, वो हमने यहाँ लिख लिया, उनका जो टोटल होगा वो यहाँ आ जाएगा और आंसर जो आ जाएगा वो एवरेज आ जाएगा। तो बेसिकली अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सम 34 का निकालने के लिए हम 34 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 46.5 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1581 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब हम निकालेंगे यहाँ पे टीचर का वेट, तो हो जाएगा 47 × 35, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4561645। तो अब यहाँ पे हमारा 35 का सम गिवन है, 34 का सम गिवन है। जब हम 1645 में से 1581 निकाल देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा नंबर जो कि क्या होगा, वेट होगा किसका, टीचर का, क्योंकि 35th जो थी वो टीचर थी। यहाँ आ जाएगा आपका 64, विच इज फ्रॉम हिज हाउस टू द ऑफिस ऑन फुट एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, द स्पीड इज 4। और उसके बाद वगैरह वो ऑफिस पे जाता है विद ऑन फुट कितनी स्पीड पे, 4 पे पर आर, एंड रिटर्न्स बाय अ साइकिल एट 16। अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड जब भी फाइंड करनी होगी तो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर नॉट गिवन विद एनीथिंग। तो एवरेज का क्या लगेगा, 2x × y / x + y। अब बेसिकली एक्स और वाई इधर है क्या, एक्स यहाँ पे जो है वो ये चीज है और जो y है यहाँ पे वो ये चीज है, मतलब स्पीड नंबर 1 एंड स्पीड नंबर 2। तो 2 × 4 × 16 अपॉन x प्लस y विल बी 4 + 16 विल बी 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 32/5 विच विल बी 62.6.4। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। If the side of the square is increased by 50%, तो एरिया कितने से इंक्रीज होगा? तो वी नो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो वो क्या रहता है, ए स्क्वायर, मतलब जो साइड का स्क्वायर रहता है। अब साइड अगर हम 100 मानते हैं पहले में, तो क्या रहेगा ए स्क्वायर का एरिया हमारा 1 और 4 0। ये एरिया है और ये साइड का स्क्वायर कर दिया, ये तो पहले था। उसके बाद वो कह रहे हैं क्या करो, उसको इंक्रीज कर दो 50% से। तो 50% 100 का 150 बनता है, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22500। ठीक है, अभी हमें क्या चेक करना है कि द एरिया इंक्रीज बाय, एरिया कितने से इंक्रीज होगा। अब देखिए इंक्रीज मतलब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12500 अपॉन जो पहला था ये इंटू 100। 2 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे, क्या आंसर आ गया आपका 125। 125 है आपका ऑप्शन नंबर 2, इतने से इंक्रीज होगा। इफ देयर इज 10% लॉस इफ द वॉच इज सोल्ड फॉर 1440। तो देखिए 100 हमारे पास टोटल परसेंटेज का होता है, वो कह रहे हैं 10% लॉस हुआ तो 10 माइनस हो जाएगा 90। उन्होंने 90 पे ये वाली वॉच बेची है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे क्या आंसर आएगा, 1 और 6। मतलब अगर एक की वैल्यू ही आई है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज 100 का होता है ना, तो 1600 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस इसकी 1440 रही है। एट व्हाट प्राइस इट इज टू बी सोल्ड टू गेट 15% इसका 15% प्रॉफिट। तो पता है हमें 100 पूरा होता है, 15% प्रॉफिट जोड़ देंगे 115 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर वो उसको 15% प्रॉफिट पे बेचना चाहे तो क्या होगा। तो अभी हमें क्या करना है, 115 × 16 0314 1840 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वॉज कंपल्सरी टू गेट 36% मार्क्स इन अ पेपर टू मनोज टू पास इट। ओके, ही गॉट 24% मार्क्स, उसके 24% मार्क्स आए और वो फेल हो गया 9 नंबरों से। अभी हमें बताना है कितना टोटल मार्क्स ऑफ पेपर वॉज। देखो 36% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए,
ठीक है, उसके कितने आए, उसके 24% आ गए, पर वो फेल हो गया 9 नंबरों से। अगर हम इस 24 के अंदर उसके वो 9 नंबर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36%, क्योंकि वो पासिंग का था। अगर वो 9 नंबर और ले आता 24 में तो वो 36% पे आ जाता और वो पास हो जाता। तो ये भी टोटल नंबर का परसेंटेज है, 36x मान लेंगे टोटल नंबर को। अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे 9 इधर ही रहेगा, 24 जब 36 में से उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12% ऑफ x इज 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75। मतलब टोटल मार्क्स कितना था पेपर का, 75, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 176400, इट इंक्रीज्ड बाय 5% एनुअली। तो हमें बताना है द पॉपुलेशन ऑफ द टाइम टाउन जो 2 साल पहले थी, मतलब ये 100 है, देखो 100 है, अब क्या होगा अगले साल, वो 105 हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है हर साल 5% से, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर 105, इससे ये बन गया, इसके अंदर फिर हम 105 पर ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अगले साल वो कितना बड़ा। नाउ द पॉइंट इज, हमें बताना है 2 साल पहले कितनी थी, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 105 की है, और अगर हम इससे 100 निकालेंगे तो पिछले साल की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो पिछले साल की वैल्यू आएगी वो 105 होगी, और हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो उससे पिछले साल की आ जाएगी। ये हमने एक प्रिपेयर कर लिया अपनी इक्वेशन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट, 21 बाय 20। अब 1764 को जो है अगर हम करेंगे डिवाइड बाय 21 तो आ जाएगा हमारा 8064, ये आ जाएगा हमारा 8400। और अगर हम 84 को इससे करेंगे तो हमें पता है ये जाता है 400 पे, तो अब हमारे पास आ जाएगा 4 2s are 8 2s are 16, और हमारे पास 4 0 आ जाएंगे। दिस इज आवर आंसर, 1,60,000, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर 1 2 4 7 11 एंड 16। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में पहले डिफरेंस चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, एंड ऑब्वियसली हमें दिख रहा है बहुत सिंपल पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे 5 है तो अगला आ जाएगा 6। और जैसे हम 1 के अंदर 1 ऐड करके 2 बना रहे हैं, 2 के 2 अंदर 2 ऐड करके 4 बना रहे हैं, सिमिलरली 16 के अंदर 6 ऐड करके 22 बन जाएगा। 22 इज योर ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ से हमारा रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, सो लेट अस बिगिन। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ हियर इज, ये हमारा सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑल डॉग्स आर एसेस, ओके, एंड ऑल एसेस आर बुलक्स। ये हमने एक हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी हमें बताना है इनमें से जो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली है, सम डॉग्स आर एसेस, बिल्कुल सही है, कुछ डॉग है हिस्सा, बिल्कुल है। All asses and dogs are bullocks, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है, some asses are bullocks, बिल्कुल ठीक है। All the above are right, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें से हमें बताना है विच वन इज एन ऑड थिंग, अर्थ, मून, मार्स एंड मर्क्यूरी। हमें दिख रहा है ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्लैनेट्स होते हैं, बट मून इज नॉट अ प्लैनेट, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। From a certain point, Smriti walks 70 meters towards south. इस पॉइंट से मान लो वो यहाँ साउथ में जा रही है, साउथ में गई वो 70 मीटर्स के लिए। Then she takes a right turn. तो हमें पता है यूजली अगर हम एरो ऐसे रखते हैं, राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, बट ये ऑपोजिट है तो हमारा राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। उसने राइट टर्न किया और फिर वो अनदर 70 मीटर्स चली। उसके बाद उसने अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट वो 60 मीटर्स चलती है, तो लेफ्ट यहाँ होगा, वो यहाँ से 60 मीटर्स चली। उसके बाद फिर वो फिर से लेफ्ट चलेगी, तो लेफ्ट यहाँ होगा और 70 चलेगी, बिल्कुल यहाँ आके शील स्टॉप। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी हैव टू टेल द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टिल। 70 ये हो गया और ये 60 था, वही 60 यहाँ आ जाएगा, 70 + 60 विल रिजल्ट इन टू 130 एज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4th। In a certain language, animals is written as SLAMI,
एन ए। तो देखिए ये जो ए था ये पीछे चला गया, फिर जो पीछे वाला एस था वो लास्ट में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, फर्स्ट वाला लास्ट में आ रहा है, या बेसिकली आप कह सकते हो कि जो वर्ड हमने एनिमल्स ऐसा लिखा था, इन्होंने आंसर में उसको इस तरीके से लिखा। अब हमें फाइंड करना है आंसर फॉर ऑनलाइन। हम क्या कर सकते हैं, सीधा ओ इधर, ई इधर, एन इधर, ये वाला एन इधर, एल इधर और आई इधर। क्या आ जाएगा आपका, ऑनलाइन ऐसे पढ़ो या ओ एन एल आई एन ई ऐसे पढ़ो, तो आ जाएगा ई आई ई एन आई एल, ये हो जाएगा ऑनलाइन। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इफ अ स्पाइडर इज रिटन एज दिस, तो कॉमन को कैसे लिखेंगे। स्पाइडर को लिखा था हमने PSDIRE, तो कॉमन को कैसे लिखना है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। तो देखेंगे बहुत सिंपल है, S जो था वो यहाँ आ गया, P जो था वो यहाँ आ गया, मतलब इस तरीके से। सिमिलरली I यहाँ, D यहाँ, E यहाँ और R यहाँ, उसी तरीके से C यहाँ, O यहाँ, M यहाँ और ये वाला M यहाँ, O यहाँ एंड N यहाँ। क्या आंसर आएगा आपका, ओ सी एम एम एन ओ। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैव टू चिल्ड्रन, आशा एंड शशि। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिस्टर शर्मा, यहाँ हम करेंगे मिसेस शर्मा। इनका जो दो बच्चे हैं कौन से, आशा एंड शशि। शशि इज मैरिड टू राधा, डॉटर ऑफ मिसेस महाजन। अभी देखो एक चीज, जो हमारा ब्लड रिलेशन रहता है उसके अंदर हम ये साइन यूज करेंगे फीमेल के लिए, एंड हम प्लस का साइन यूज करेंगे फॉर मेल्स। अभी वो क्या कह रहे हैं, राधा जो कि डॉटर है किसकी, मिसेस महाजन की। तो अगर हमें पता है अगर ये दोनों मैरिड हैं और राधा इज अ फीमेल, तो शशि इज अ मेल, फाइन। ऑब्वियसली उसके बाद अगला आ जाएगा सुरेश, जो कि बेटा है, सुरेश सन ऑफ मिसेस महाजन, सुरेश द सन ऑफ मिसेस महाजन मैरिज रीटा, वो मैरिज करता है किससे, रीटा से। तो अगर सुरेश उनका बेटा है तो वो जिससे शादी कर रहा है शी हैज टू बी अ फीमेल। सोनू एंड रॉकी आर बॉर्न टू सुदेश एंड रीटा, मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ है, सोनू आ जाएगा एंड हमारे पास आ जाएगा रॉकी, दे आर बॉर्न टू सुरेश एंड रीटा। उमा एंड सुधा आर डॉटर्स ऑफ शशि एंड राधा, ये दोनों क्या, कौन कौन, उमा एंड शशि, सुधा सॉरी, ये क्या है, दे आर बॉर्न टू, दे आर डॉटर्स ऑफ शशि। अभी हमें नहीं पता आशा का यहाँ पे क्या जेंडर है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखेंगे आगे। इसके बेसिस पे ये डायरेक्शंस गिवन थी, इसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस होंगे, हमने अपना डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सरनेम ऑफ सोनू, सोनू का सरनेम क्या बनेगा। सोनू कहाँ है, सोनू है यहाँ। सोनू किसका बेटा है, सुरेश का। सुरेश किसका बेटा है, मिसेस महाजन का। तो सोनू का क्या बन जाएगा, महाजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू सुधा, सुरेश क्या लगता है सुधा का। तो सुरेश है हमारे पास यहाँ गिवन, सुधा है हमारे पास यहाँ गिवन, हमें बताना है सुरेश क्या लगेगा सुधा का। सुधा की जो मदर है उनका जो है सुरेश भाई है, मतलब मामा लगा, और मामा अगर लगा तो हमें क्या बताना है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू सुधा। अगर वो मामा लगा तो वो होगा अंकल, मामा लगा तो वो हो जाएगा मैटरनल अंकल। मैटरनल एम ए से जो भी शुरू होंगे वो हमारी मदर के साइड के रिश्तेदार होंगे, एंड अगर पेटरनल की बात करेंगे वो पी ए से शुरू हो रहे हैं तो वो सारे पापा की साइड के होंगे। तो यहाँ पे अगर मामा है तो मेटर्नल अंकल हुआ आंसर। हाँ, व्हाट इज सुधाज रिलेशन टू आशा, सुधा का क्या रिलेशन है आशा के साथ। सुधा जो है वो शशि की क्या है, बेटी है। शशि कौन है, आशा की बहन है, तो वो उसकी लगी नीस। सुधा आशा की क्या लगी, नीस, ऑप्शन नंबर बी। हाउ इज सोनू रिलेटेड टू मिस्टर महाजन, सोनू क्या लगा, सोनू है यहाँ मिस्टर महाजन का, मिस्टर महाजन का ही चेक करना है, हाँ जी मिस्टर महाजन का। तो यहाँ पे मिसेज महाजन है, ऑब्वियसली इनके हस्बैंड जो होंगे वो मिस्टर महाजन होंगे,
सोनू इनका क्या लगेगा? हमें नहीं गिवन यहाँ पे कि सोनू इज अ मेल और अ फीमेल, तो इसलिए हम यहाँ पे ना ही माइनस लगाएंगे ना ही प्लस लगाएंगे, वी डोंट नो। पर ये पता हमें ग्रैंड चिल्ड्रन का रिलेशन है क्योंकि इनके बेटे का फर्दर बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रैंड सन हम मार्क नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट गिवन कि सोनू इज अ बॉय और अ गर्ल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज एंड द आंसर हैज टू बी ग्रैंड चिल्ड्रन। अगर हमें गिवन होता सोनू क्या है तो हम उस हिसाब से आंसर करते। सो विद दिस हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर का। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्शन में हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। मेक श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत थरली याद कर लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस ही वही थे जो रिपीटेड थे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।